बिस्फिरा रिम्स अल्लाम कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी सब्जी की रेसिपी क्योंकि गोश्त खाकर हम सब बहुत तंग आ चुके हैं तो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं बैंगन आलू और यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो बैंगन और दरमियाने साइज़ के दो अदद आलू आलू और बैंगन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है आलुओं के छिलके उतार लिए हैं और लंबाई के रुख पे आलू और बैंगन को हमने काट लिया है इसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे कढ़ाई में और उसके अंदर पहले मैं फ्राई कर रही हूँ बैंगन और बैंगन को इतना आपने फ्राई करना है कि ये तकरीबन 95 परसेंट जो है ना वो डन हो जाए यानी कि गल जाए और इसी तरह बैंगन फ्राई करने के बाद इसी ऑयल गरम ऑयल में मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम चिप्स फ्राई करते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हैं इनमें मैंने कोई नमक को वगैरह कुछ ऐड नहीं किया जस्ट काटने के बाद धोकर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ये देखिए इस तरह से ये सॉफ़्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट गल चुके हैं और साथ हम क्या करेंगे जब तक ये फ्राई होते हैं मैंने दूसरे देखचे में ले लिया है ऑयल ऑयल मैंने लिया है टू टेबल स्पून थोड़ा कम ऑयल ले रही हूँ क्योंकि जब बैंगन और जो आलू हैं वो भी थोड़ा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे फ्राई होते हुए प्याज ले लिया है एक अदद बड़े साइज़ का उसको फाइन चॉप कर लिया है और इसको हम जो है वो भून लेंगे यहाँ तक कि जो प्याज़ है वो थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो इसमें मैं डाल दूंगी अब लहसन अदरक का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन अदरक आप ले लीजिए वन टीस्पून और अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से ताकि जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए और कच्चा खत्म हो जाए इसका इसको भुनने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर अच्छा टमाटर जो मैं ऐड करूँगी वो मैंने तकरीबन दो अदद बड़े साइज के लिए हैं अगर आप दरमिया साइज के लेते हैं तो आप तीन टमाटर भी ले सकते हैं इनको मैंने कर लिया था ब्लेंड ताकि ये जल्दी से जो है वो पानी टमाटर का ड्राई हो जाए अगर मैं इनमें साबत काट के यानी कि टमाटर डालू तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं गलने में और फिर पानी ड्राई होने में जब आप इनको इस तरह से पेस्ट बना के डालेंगी तो विद इन अ टू मिनट जो है वो टमाटर का जो पानी है वो खुश हो जाएगा और फिर साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मसाला ज़ात यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी सिर्फ तीन मसाले ठीक है नमक हंसपाय आप डाल लीजिए मैंने वन टी स्पून डाला है हल्दी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च वन टी स्पून और कुटा हुआ सूखा धनिया ठीक है या पिसा हुआ धनिया सूखा जो होता है वो आप इसमें वन टी स्पून डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि जो खुश मसाला जात हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाएँ उनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए जी यहाँ पर आप देख लीजिए कि तकरीबन दो मिनट मैंने इसको भून लिया है और अच्छे से भूनने के बाद आ, इस, आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे आप तकरीबन एक से दो घूंट ज़रा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं इसको अच्छा भूनने के लिए और यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है तेल की तरी ऊपर आ चुकी है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं वो बैंगन जो हमने पहले से फ़्राई करके रख लिए थे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने फ्राई किए हुए थे ठीक है हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी आलू और बैंगन और इनको हम बहुत हल्के हाथ से जो है वो मिक्स करेंगे क्योंकि आलू और बैंगन दोनों पहले से डन हैं यानी गले हुए हैं और तेज़ चम्मच चलाने से जो है वो टूट सकते हैं तो इसलिए मैं बिल्कुल हल्के हाथ से जो है इनको मिक्स करूँगी बहुत ज़्यादा भी आपने इसको मिक्स नहीं करना बस इतना मिक्स करना है कि ये मसाले के साथ अच्छे जो है वो उनका टेस्ट इसमें आ जाए जी तो यहाँ पर हमारा जो आलू बैंगन है ऑलमोस्ट डन हो चुका है इस पर अब हम डालेंगे हरा मसाला आ, हरा धनिया आप ले लीजिए बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है अगर आपको पुदीना उसका खुशबू टेस्ट पसंद है आप वो ले लीजिए और साथ हरी मिर्चें बारीक चॉप की भी इस पर डाल के मैंने इसको जो है वो दम पे रख दिया है चूल्हा बंद है तकरीबन दो से तीन मिनट दम में आने के बाद मैं इसको डिश आउट कर दिया है उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये आसान सी रेसिपी झटपट बनने वाली पसंद आई होगी अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़